कंगना मतलब एक जेवर का नाम होता है, क्या जरूरत थी उसकी दफ्तर तोड़ने की? अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हरामखोर, हरामखोर। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। हरामखोर, 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 हराम खोर, हराम खोर ना, हराम खोर। मैं यहां पर कंगना रनावत की तारीफ करने नहीं आया हूं, लेकिन संजय सर आपको थोड़ा सा कंगना का अध्ययन करना चाहिए था कि मतलब आप वीआईपी है, महाराष्ट्र के वीआईपी है, लेकिन आपने उसके बारे में इतना बोल दिया कि सरकार ने उसको वीवीआईपी बना दिया। Y प्लस की सिक्योरिटी उसके पास में, जो कि आपके पास भी नहीं होगी, Y प्लस की। उसके पहले उनका जीवन एक्स वाई जेड था, लेकिन अब वो X हो गया, Y सिक्योरिटी आ गई, और वो अब अपने विरोधियों को जेड जिंदगी जेड कर सकती होगी। अरे दादा, दादा Thank you.